हेलो गाइस, मैं मॉर्निंग और अगेन मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आया हूँ। तो गाइस, बहुत टाइम बाद मावी और स्काउट एक साथ लाइव स्ट्रीम पे आए और स्काउट भाई ने इसके ऊपर रिएक्ट करा कि मावी भाई को न्यू न्यू ऑफर्स आ रहे हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, एंड जो उनकी लास्ट कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी स्लॉट्स को लेकर के, उसके ऊपर रिएक्ट करा। वो सारी चीज़ें आप इस क्लिप में देख सकते हो। हेलो। बोलो बोलो। मैं लोगों को बता रहा था कि हम एक दूसरे की लॉबी में रुकते या एक दूसरे को एडिट नहीं करते, हमारी बनती नहीं है। हाँ, झगड़ा होता है। मैं भी छोड़ा बोलते हैं लोगों को। ये मेरा पेट तेरे पेट पे कैसे आ गया? हाँ, ये कैरेक्टर किसकी है ना? बट ये पेट तो मेरा है। और बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ स्क्रीन पे, प्लीज़ भाई, हमारे घरेलू झगड़ा में बाहर से पैसे से बंदों को खरीदने का ट्राई मत करो। रिक्वेस्ट है, हम रिलेशन बनाते हैं पैसे से नहीं। कल को मेरा और मावी का झगड़ा होगा तो तुम बाहर से पैसे की लालच मत दो। पैसा इज्जत दो। पैसा इज्जत दोनों है हमारे पास, ठीक है? तो प्लीज़ अगली बार से किसी भी बंदा हमारे फैमिली में झगड़ा होता है बाहर, उसको ऐसा ऑफर मत डाल दो। तन गए। स्काउट भाई ने ये रिप्लाई दिया कि उन्होंने जोनाथन को अनफॉलो क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और डेफिनेटली ये कोई ग्लिच नहीं है, स्काउट भाई ने उनको सच में अनफॉलो ही किया है। तो वो सारी चीज़ें आप इस क्लिप में सुन सकते हो। फॉलो अनफॉलो भैया, देखना क्या हुआ था इसके पीछे, बहुत लंबी स्टोरी है अनफॉलो करने की, वो मैं बोलना नहीं चाहता पब्लिकली, वो पर्सनल मैटर है, ओवरऑल बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, कभी जब शॉर्ट होगा तो बात करेंगे। देन गाइस, TX वर्सेस गॉडलाइक की फाइट हो रही थी स्क्रिम्स के अंदर, तो वो क्लिप आप अभी देख सकते हो। पटापट से टेकडाउन किए जाएंगे आई थिंक सो, और यहाँ पे जो कि शैडो जी की तरह जो कि पे TX की टीम भी फाइट आपको एंगेज होती नजर आएगी। यहाँ पे गॉडल की टीम और TX की टीम आपको फाइट आप एंगेज होता है नजर आएगा, जहाँ पे फिलहाल आदित्य ऑलरेडी यहाँ पे टेकडाउन करके फिनिश ऑफ कर दिए गए हैं TX की टीम के द्वारा, जो कि आदित्य भाई हमारे आए थे, क्लोज इन किए थे, स्काउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनका जो कि स्काउटिंग कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे जो कि देखते हैं उनकी टीम को एक लॉस के उसमें जो कि देखते हैं रूप में दिया गया है। बातों को स्पॉट किया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा ओमेगा को यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा, अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वहीं पे अभी के लिए आपको जो कि देखते हैं ब्लाइंड की टीम को जो कि आपको TX की टीम से फाइट आपको एंगेज होता है वो देखने को नजर आ सकता है वहां पे, जहां पे फिलहाल बहुत ही अच्छे तरीके से एक टेकडाउन सबको निकलते हुए देखने को नजर आएंगे। और आई थिंक सो यहां पे TX की टीम को मुसीबत आपको बढ़ता हुआ देखने को नजर आ सकता है, जहां पे अभी के लिए फिलहाल बैक टू बैक अभी के लिए आपको दूसरे बंदे अपना खोते हुए देखने को मिलेगा TX की टीम। अभी के लिए बात जो कि स्काउट है उनको भी जो कि देखते हैं फटाफट से टेकडाउन किया जाएगा, और यहां पे बहुत ही इजी तरीके से गॉडल की टीम के द्वारा, और वहीं पे पीछे से जो कि आपको ब्लाइंड। एंड गाइस, नेक्स्ट मैच के अंदर TX ने गॉडलाइक से रिवेंज ले लिया, वो आप स्काउट भाई के पीओवी में देख सकते हो, और उनका रिएक्शन क्या था इसके ऊपर वो भी। कर रहा पुश कर रहा नॉक कर दे इसको। एनिग्मा अरे नहीं, हक दिया। आ रहे अंधकार, स्लैम डाल रहा हूं। गोली डाले पे नीचे पैनिक क्रिएट करो, पैनिक क्रिएट करो, नॉक किया। हिल करो। वो पीछे की तरफ है। अच्छा कि हिल करो, छोड़ दे बाहर। टर्न वो देख, जॉर्जो पुल से भाग के आ रहे थे। हैं? वो देखो तो भाग रहे हैं। जॉर्जो पुल कंटेनर भाग रहे हैं। पकड़ लेफ्ट में। अरे अंधे, इधर आ राइट में। बात छूद रहा है। अबे राइट में, ये वाला टावर पे, लेफ्ट वाला टावर। उसी टावर पे ही है। इधर ही था। ऊपर जा रहा है। अंदर भागो, कंटेनर के अंदर भागो। ये रहा। भगा इसको। शॉटगन है आराम से। अरे भाई, नाइस भाई, 1v4 था भाई मेरा तेरा। अरे भड़वा 1v4 के लिए पागल हो रहा था। वही सोचो ये भेंचो। अरे मैं इतना कॉशियसली फाइट कैसे ले लिया इसने, पता है? मैं वही सोचा कि इतना कॉशियसली रुक के कैसे कॉल दे पा रहा है भाई। कॉशियस प्लेयर हूं मैं। देन गाइस, इसके बाद मावी ने 1v3 कर दिया स्क्रिम्स के अंदर, तो वो क्लिप आप अभी देख सकते हो। जल्दी आ, मेरा क्यूब खाली है।
ये वाले टू हाउस खाली है यहां पे दो बंदे कूदे हैं इधर ब्लू पे कूदा है एटलीस्ट टू हाउस खाली जल्दी बोल हां हां खाली मैं लूट रहा हूं फिर पाजी आप ब्लू वाले को दिया क्या नहीं अपने वाले को ओके सुनो इधर मैं नहीं घुस रहा मार्क मत कर मार्क मत कर ऑरेंज वाला नॉक नहीं बढ़िया अरे बैठा हूँ भाई कितना होल्ड कराऊं कितना होल्ड कराऊं ये पहले नहीं आ सकता एटलीस्ट अरे नहीं आ पाता पानी में देन गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जोनाथन ने मस्टैंग ले ली है और उनके लेफ्ट हाथ में एक टैटू भी उन्होंने बनवाया है तो स्काउट भाई का इसके ऊपर रिएक्शन है कि जोनाथन ने उनको काइंड ऑफ कॉपी किया है और इस चीज़ को उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया है तो वो सारी चीज़ें आप इस क्लिप में देख सकते हो टैटू तक भी मैंने कुछ बोला है चलो ठीक है टैटू भी समझो गाड़ी के लिए तो मेरे से क्रॉन्टेन ने बात करी थी बहुत सिंपल सच भी है मेरा ऐसा बोलना है कि कुछ मैं किसी को कुछ बोला नहीं ठीक है आई वॉज सुपर हैप्पी मैं बहुत खुश था कि अपने लॉन्डन ने ले लिया गाड़ी और ये गाड़ी का मेरे को आई थिंक जब उसका बर्थडे था तब मेरे को क्रॉन्टेन का फ़ोन आया था इसको गाड़ी यानी कि अच्छी है मैंने खुद सजेस्ट किया हाँ भाई अच्छी और मॉड्स वॉड्स भी मैंने सब बताया कि ये सारे मॉड्स रहते हैं जो पसंद है लगवा रहा बेस्ट रहेगा बेस्ट रहे मॉड्स तो उसने बोला सब लगा एकदम शॉर्टेड टैटू जिसमें को एक पॉइंट पर लगा कि यार वो रिमोट कंट्रोलर वाला जो सीन था आई फेल्ट कि थोड़ा सा कॉपी जो मुझे लगा मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने डाला वो चीज़ मैंने आई थिंक ये चीज़ मैंने टैटू ये जो रिमोट कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट मैंने कभी किसका देखा नहीं था ये मेरा ओरिजिनल मैंने खुद बैठ के इसको टैटू आर्टिस्ट बैठ के बात करके हमने बनाया था ये चीज़ आई होप कि वो वैसे सपोर्ट करे अपने बंदे को ये जो हेटर्स जो है अपने वो अपने टीम को सपोर्ट करे जी गोल को सपोर्ट करो नियो को सपोर्ट करो यार बाकी लोगों को सपोर्ट करो अपने उनको और हेल्प करो उनको बेटर ब्रांड डील्स आई फील मेरे को जो बाहर से दिखता है अंदर क्या अंदर से तक उनको सैलरी मिलता है 10 लाख वाला चीज़ है देन गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा सायोनारा